हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर होम. वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस इन चैप्टर 5 आवर एनवायरनमेंट इन क्लास 10th इन सब्जेक्ट बायोलॉजी. ओके स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओजोन लेयर, बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि वॉट इज गार्बेज. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं गार्बेज क्या होता है. तो बेटा गार्बेज का सिंपल सा ये है कि इट इज़ रिफ्यूज़ ऑफ फूड. यानी ये क्या होता है बेटा, फूड का रिफ्यूज़ होता है. एंड यानी जब हम फूड को यूज़ नहीं करते उसे क्या कर देते हैं बेटा, हेयर एंड देयर इधर फेंक देते हैं, तो बेटा वो क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है. एंड वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, फ्रूट्स आर्टिकल्स, जो वेजिटेबल्स जब हम काटते हैं, यानी कहने का मतलब जो फूड बनाते हैं तो वेजिटेबल्स को क्या करते हैं बेटा, काटते हैं. तो काटने से क्या होता है बेटा, कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसे ह्यूमन बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, तो बेटा वो जो वेस्ट होता है उसे कहते हैं बेटा गार्बेज. इसी तरीके से बात करें बेटा, जैसे फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स के बेटा क्या होते हैं, फ्रूट आर्टिकल्स, जैसे कि फ्रूट के क्या होते हैं, पील्स होते हैं. यानी जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसके क्या होते हैं बेटा, छिलके होते हैं, जिसे क्या करती है बेटा, ह्यूमन बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, यानी वो नहीं खाती, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, वो भी क्या होता है, एक गार्बेज होता है, अलॉन्ग विद अदर डोमेस्टिक वेस्ट. और कुछ बाकी आपके क्या होते हैं बेटा, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं. डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब घरेलू वेस्ट, यानी घरेलू बेकार चीज़ें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई प्लास्टिक की चेयर है, टूट गई, टूटने के बाद वो दोबारा सही नहीं होगी, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ गार्बेज. इसी तरीके से बात करते हैं, अगर कोई आर्टिकल या आयरन आर्टिकल की बात करते हैं बेटा, जो आयरन आर्टिकल, आयरन से बनी हुई जो कोई चीज़, अगर वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो वो सही भी जल्दी नहीं हो पाती, तो क्या करते हैं बेटा, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, यानी कि उसको फेंक देते हैं, यानी कि वो क्या हो जाता है, एक गार्बेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो कहने का मतलब, दीज आर द टाइप्स ऑफ गार्बेज. अब बात करते हैं बेटा आगे इसमें, तो एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस गार्बेज. यानी कि जो भी घर पे रहता है बेटा, यानी कहने का मतलब जो भी पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, गार्बेज को क्रिएट करते हैं. एंड अब बात करते हैं, जब गार्बेज क्रिएट हो गया, तो गार्बेज क्रिएट होने के बाद अब हमें इससे छुट्टी कैसे मिलेगी, यानी कहने का मतलब गार्बेज से हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं, या गार्बेज को किस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसके लिए बेटा क्या होता है, गार्बेज मैनेजमेंट होता है. इसके लिए क्या होता है बेटा, गार्बेज मैनेजमेंट होता है. इसके लिए क्या होता है बेटा, गार्बेज मैनेजमेंट होता है. अब गार्बेज मैनेजमेंट क्या होता है, ओके स्टूडेंट, बात करते हैं गार्बेज मैनेजमेंट की. गार्बेज मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, ये एक मेथड होता है, यानी कहने का मतलब एक मेथड होता है, किसका, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का क्या होता है बेटा, एक मेथड होता है, और ये मेथड कैसा होता है बेटा, नॉन पॉल्यूटेंट होता है, नॉन पॉल्यूटेंट. ये नॉन पॉल्यूटेंट क्या होता है बेटा, मेथड होता है. नॉन पॉल्यूटेंट मींस क्या होता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, वेस्ट को इस तरीके से क्या करता है, डिस्पोज करता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए नॉन पॉल्यूटेंट हो जाता है, यानी वो एनवायरनमेंट को फिर पॉल्यूट नहीं कर पाता. एंड दिस इज़ अ वर्क ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. इसमें क्या होते हैं बेटा, 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं. इट हैज 3 स्टेप्स. कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ गार्बेज. कलेक्शन ऑफ गार्बेज. सेकंड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ गार्बेज. ट्रांसपोर्ट ऑफ गार्बेज फ्रॉम कलेक्शन साइट्स. फ्रॉम कलेक्शन साइट्स टू डिस्पोजल साइट्स. नाउ थर्ड इज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि इस तरीके से क्या होते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप होता है बेटा इसका कलेक्शन ऑफ गार्बेज. यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, हम गार्बेज को क्या करते हैं बेटा, कलेक्शन करते हैं, यानी कि गार्बेज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं.
और फिर उसके बाद आता है बेटा, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, गार्बेज को लेकर जाते हैं। और कैसे लेकर जाते हैं बेटा, फ्रॉम द कलेक्शन साइट्स टू द डिस्पोजल साइट्स, यानी कलेक्शन साइट से क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और कहाँ पर लेकर जाते हैं, उसे डिस्पोजल साइट्स तक लेकर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने गार्बेज को डिस्पोज करने का काम करते हैं। तो कलेक्शन साइट से डिस्पोजल साइट्स तक बेटा क्या करते हैं, गार्बेज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जब ये गार्बेज क्या होता है बेटा, डिस्पोजल साइट्स पर पहुंच जाता है, फिर वहां पर क्या होता है बेटा, जो गार्बेज है उसका क्या होता है, डिस्पोजल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, इसमें थ्री स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब बात करते हैं बेटा इसमें कि प्रायर टू द डिस्पोजल, यानी कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि नॉर्मली कैसे होती है बेटा डिस्पोजल जो होता है वो कैसे होता है बेटा, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज आर सेपरेटेड इनटू डिकम्पोजिबल। कहने का मतलब जो हमारा गार्बेज होता है उसमें क्या करते हैं बेटा, हम वो टर्म्स को या वो चीज़ें क्या करते हैं, पहले सेपरेट कर लेते हैं जो डिकम्पोजिबल होती हैं, यानी कहने का मतलब जो ईजिली क्या हो सकती हैं बेटा, डिकम्पोज हो सकती हैं, जो डिकम्पोज हो सकती हैं, जो रिसाइकल हो सकती हैं, जो रिसाइकल हो सकती हैं, डिकम्पोज हो सकती हैं, जो कम्बस्टिबल चीज़ें होती हैं। कंबस्टिबल मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें जलाई जा सकती हैं, जो क्या हो सकती हैं बेटा, कंबस्टिबल होती हैं। कंबस्टिबल कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, यानी कि वो चीज़ें जिनको क्या कर सकते हैं बेटा, गार्बेज में जला सकते हैं। एंड इसी तरीके से बात करें अगर जो पिग्स होते हैं, कुछ क्या करते हैं बेटा, जो पिग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। एंड इसी तरीके से बेटा बात करते हैं जो स्ट्रे कैटल क्या होते हैं बेटा, जो घूमने वाले क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जो स्ट्रे कैटल जो हेयर डियर क्या करते हैं बेटा, घूमते रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको ईट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जो गार्बेज होता है वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, डिकम्पोज होता है, एंड धीरे धीरे क्या होता है बेटा, एनवायरमेंट से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अब बात करते हैं बेटा जैसे जो पिग एंड कैटल फीडिंग होता है, किस तरीके से मतलब ये गार्बेज डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट है बेटा इसमें पिग एंड कैटल फीडिंग, पिग एंड कैटल फीडिंग। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो पिग एंड स्ट्रे कैटल मीन्स क्या होता है बेटा, स्ट्रे कैटल मीन्स होता है जो नॉर्मल क्या होते हैं बेटा कि जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स का मतलब क्या होता है, जो पालतू जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, लोग बाग क्या करते हैं उनको अपने घर पे रखते हैं, लेकिन क्या होता है उन्हें क्या करते हैं, कभी कभी खुला छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, हेयर एंड डियर क्या करते हैं, वो गार्बेज को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, वो गार्बेज को रिमूव करने का भी काम करते हैं। एंड हाउएवर दे ऑल्सो लिटर द एरिया विद गार्बेज, यानी ये कहने का मतलब वो क्या करते हैं बेटा, जो उस एरिया में जो गार्बेज प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं बेटा, रिमूव करने का काम करते हैं। एंड कलेक्शन एंड डिस्पोजल साइट्स ऑफ गार्बेज आर ऑल्सो साइट्स ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिसीज़, यानी कहने का मतलब जो कलेक्शन एंड डिस्पोजल साइट्स होती हैं, जो कलेक्शन एंड डिस्पोजल साइट्स ऑफ गार्बेज और ऑल्सो साइट्स ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है बेटा, यानी कहने का मतलब कि वो साइट्स जहाँ पे क्या होता है बेटा, गार्बेज का कलेक्शन होता है और जहाँ पर गार्बेज का क्या होता है बेटा, डिस्पोजल होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पेस्ट इन्फेस्टेशन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रैग पिकिंग, और गार्बेज बेटा कैसे डिस्पोज होता है, नेक्स्ट है बेटा रैग पिकिंग क्या होता है बेटा, रैग पिकिंग का मतलब होता है बेटा कूड़ा उठाने वाले, जो गार्बेज को क्या करते हैं बेटा, डोर टू डोर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको लेकर जाते हैं। रैग पिकर्स रिमूव वेरियस रिसाइकलेबल आर्टिकल्स, अब बेटा क्या करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जो गार्बेज को घर डोर टू डोर क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो वो उनका काम क्या होता है बेटा, जो रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं, जो रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं गार्बेज से,
उनको गार्बेज से क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। जैसे आपके पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक आर्टिकल्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक आर्टिकल्स हो गए, ग्लास पीसेस हो गए, ग्लास पीसेस हो गए, कैंस हो गई, पेपर हो गया, कैन हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड, ई वेस्ट। तो ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, रैक पिकर्स क्या करते हैं, जिनको रिमूव करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। एंड ई वेस्ट मींस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब यानी कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक है जो ख़राब हो गया है, तो क्या करते हैं बेटा, हम उसे जल्दी सही नहीं कराते। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं बेटा आइटम जो एक बार ख़राब हो जाते हैं तो वो सही नहीं होते, फिर हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, थ्रो कर देते हैं, यानी कि उसे वो क्या होता है, एज अ गार्बेज हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसको जो रैक पिकर्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, और ये रैक पिकर्स क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं।